नमस्कार, मैं हूं वारिस खान और आप देख रहे हैं एसआर लाइव निमाड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर हुआ पंचतत्व में विलीन। खरगोन जिले में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सभी नदियां उफान पर। निमाड सहोदय मंच ने प्रतिभावान बच्चों और उनके पालकों का किया सम्मान। राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने कुशवा क्षेत्रीय समाज धर्मशाला का किया उद्घाटन। प्रबुद्ध महिला मंच एवं सपाक्स ने दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। देश की करोड़ करोड़ जनता ने अपने सर्वप्रिय महान नेता को भावभीनी विदाई दी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्वस्थ रहते हुए 93 वर्ष की आयु में गुरुवार को शाम 5:05 पर निधन हो गया। निधन की खबर ने उनके करोड़ों समर्थकों और प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया। जिसने सुना वो दुखी हुए बिना रह न सका। महान व्यक्तित्व, कवि हृदय और सर्वप्रिय राजनेता की छवि के कारण विरोधी भी उनके प्रशंसक रहे। उनके निधन पर देश विदेश से संवेदना संदेश जारी किए गए। भाजपा के संस्थापक और भाजपा नेता के रूप में पहली बार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संभालने के बाद अपनी नीति से देश को कई ऊंचाइयां दी। शुक्रवार को अंतिम यात्रा में भारी भीड़ की मौजूदगी उनके प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा को बयां करती है। दिल्ली के स्मृति स्थल मैदान पर स्वर्गीय अटल जी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश, कई देशों के प्रतिनिधि, कैबिनेट के सभी मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित भारत के सभी राजनीतिक दलों के मुखिया और नेता अटल जी के अंतिम दर्शनों के लिए स्मृति मैदान पर उपस्थित थे। देश के महान सपूत, महानायक, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसा लाइव निमाड न्यूज़ की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। खरगोन जिले में गुरुवार सुबह से हुई बारिश ने खरगोन समेत कई जगहों पर भारी तबाही मचाई। खरगोन में कुंदा नदी में भारी बाढ़ ने आसपास के मकानों में प्रवेश कर अपने साथ घर का सामान बहा ले गई। गुरुवार की सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश से शुक्रवार सुबह होते होते कहर बरपाया। कुंदा में आई बाढ़ ने पुल को पूरी तरह डुबो दिया। सतर्कता के मद्देनजर पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। पुल पर करीब 8 फीट ऊपर से होकर बाढ़ का पानी बह निकला। इस दौरान कुंदा के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ के पानी से भारी क्षति पहुंचाई। शांत दिखाई देने वाले कुंदा के रौद्र रूप ने मकानों में घुसकर जरूरी सामान बहा ले गई। प्राप्त जानकारी अनुसार कुंदा की बाढ़ ने घोड़े, बैल और अन्य मवेशियों के बह जाने की खबर मिली है। किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि बाढ़ के पानी ने हमारी आशियाने को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। जब कुंदा ने आधी रात के समय बाढ़ का पानी आसपास के मकानों और मंदिरों में घुसने लगा, उससे घबराए लोगों ने अपने घरों से निकलकर ऊपरी इलाकों में शरण ली। क्या कहना, पानी आया, बाढ़ आई, घोड़े के ऊपर पानी गया, बेगा 3 घोड़े बेह गए, हमारे 3 मर गए, शादी भी होगी, लाखों का नुकसान। तो क्या, किस तरह से ये एकदम बह गए, एकदम क्या एकदम जैसे हम गए खोलने, जिन की रस्सा काटी वो बह गए और जो बंदे हुए थे मर गए अंदर। क्या बंदे हुए थे सर? हाँ, जान बचा के हमारी भागे, हम खुद बच गए, हमारे वालिद साहब खुद बह रहे थे। अच्छा। हमने उनको पकड़ा, मैंने चलो हटाओ जान दो बाद में देखेंगे। कितने घोड़े मर गए? छह घोड़े मर गए, 3 बह गए 3 मर गए। अच्छा, पानी कहाँ तक आ गया था? ये पानी हमारे घर के वहाँ तक रास्ते में गली में आ गया था, सिर से ऊंचा पानी गया था।
जिला कलेक्टर शशिभूषण सिंह, एसपी डी कल्याण चक्रवर्ती सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया और प्रभावितों से चर्चा की। रात के 12-1 बजे के बाद अचानक बारिश होने से 12 बजे के आसपास बहुत तेज बारिश होने से अचानक बाढ़ आई है, जिससे पुल को डैमेज हुआ है, हमारा फिल्टर पॉइंट बंद हुआ है, जल प्रदाय भी प्रभावित हुआ है और उस समय लगे हुए हैं। बहुत ही जल्दी इसको हम सामान्य स्थिति में ले आएंगे। रात में बाढ़ 2 बजे 2:15 बजे पानी फुल आ गया था लबरे, 5 मिनट में घोड़े खोलते खोलते पानी मेरी आंखों तक के चलने लगा, तो मेरे को कौन हेड के ले गया ये नहीं मेरे को मालूम पड़ा। देवल मार्ग पर वाटर सप्लायर का टैंकर खड़ा हुआ था, रात में जब पुल का पानी नदी का पानी जब पुल को छूने लगा तो ये टायर चूंकि इसमें लगे हुए हैं और टायरों में हवा भरी हुई है, हवा के कारण जो है वो टैंकर तैरने लगा और जो टैंकर है इसलिए अंदर से इसमें हवा भरी होती है तो तैरते तैरते टैंकर जो है वो इधर आकर साइड में लग गया, क्योंकि ये नदी का भाव इस टाइप से है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए, तो कर्व लेने के कारण टैंकर वहां से बहते बहते जो है टायरों में हवा होने के कारण और इस साइड आकर चिपक गया। नए पुल के पास कोने पे मेरा घर है, यहीं का रहवासी हूं। विगत 2 दिन से ग्रामीण क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, रात्रि 1 बजे तक तो मैं जाग रहा था, 1 घंटे के लिए अचानक मेरी नींद लगी, 2 घंटे 1 घंटे बाद ही जो है यहाँ एकदम से बाढ़ आई तो यहाँ पर पास में 15-20 वाहन खड़े हुए हैं, ये वाहन भी टेढ़े हो गए हैं और वाहनों के बीचम बीच से पानी निकल के आप देख सकते हैं यहाँ पर नए पुल के ऊपर से पानी तकरीबन 5 फीट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर जैसी मुझे मालूम पड़ा वैसी मैंने प्रशासन को सूचना दी और मैं विगत अभी यहाँ 2 घंटे से लगातार यहाँ सभी अपने जो पीछे जितने भी आसपास कॉलोनी के जो लोग रहते हैं उनको सबको सूचना पहुँचा रहा हूँ और इधर इस्लामपुरा में भी पानी बहुत भरा गया है और यहाँ पर जो जितने भी आप सब पीछे लोग देख रहे हैं ये सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है आधे घंटे से पानी की स्थिति अभी देखते हुए थोड़ा सा पानी यहाँ पर अभी ये कहा जा सकता है कि बाढ़ जो आ रही थी उसमें से 20% पानी फिलहाल कम हुआ है। भगवानपुरा संवाददाता सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि भारी बारिश से भगवानपुरा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। ग्राम बलखड़ में बाढ़ के कारण कई मवेशी बह गए और कुछ की मौत हो गई। कई स्थानों पर तेज बारिश की वजह से मकान और पेड़ ध्वस्त हो गए हैं। तेज हवाओं के चलते कई एकड़ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। तहसीलदार और पुलिस ने रात में घूम घूम कर प्रभावित स्थलों का जायजा लिया। यहाँ गेहूँ वगैरह ये बह गया और गाय भैंसी 4-5 ठोड़ तो बह गए, पता ही नहीं। बर्तन वगैरह, खाने का सामान, बर्तन, खाने का आटा पीटा भी। किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई ना? नहीं, किसी ने जान बचा के भागे। क्या नाम है आपका? रुमाल सिंह। बमनाला संवाददाता रंजीत सिंह ठाकुर ने क्षेत्र के हालात का जायजा लिया। बमनाला के समीप बहरामपुर टेमा में वेदा नदी पर पुल जलमग्न हो गया। ग्राम कमोदवाड़ा का पुल भी पानी में डूब गया। बिस्टान में भी इंद्रावती नदी में भारी बाढ़ आई। गुरुवार से लेकर शुक्रवार सुबह तक प्रशासन के लोग जागकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा जाकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। निमार सहोदय मंच के द्वारा बीते दिनों सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कसरावद में आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभावान बच्चों और उनके पालकों का सम्मान किया गया। निमार सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स खरगोन बड़वानी और धार जिले के 65 CBSE विद्यालयों का समूह है। उसका उद्देश्य निमाड़ क्षेत्र में संचालित CBSE विद्यालयों में संचालित विभिन्न बौद्धिक, शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को संचालन करना है। विगत दिनों कसरावद में संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके तहत 2018 में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 85% या अधिक अंकों में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रावल, कोषाध्यक्ष अरविंद शुक्ला, सचिव अभिषेक गोस्वामी सहित अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे, आनंद मंजुमदार, कमलेश जोशी, रेणु राय की मौजूदगी में 150 प्रतिभावान बच्चों और उनके पालकों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। कसराव से संवाददाता अखिल खान की रिपोर्ट। सब्जेक्ट PCM। और आप? मेरा नाम साक्षी पटेल है और मैं श्री गवर्धरा पब्लिक हायर सेकेंडरी और मेरे PCB में 95% है और मुझे आज ही पता चला है कि मैंने तीनों जिलों में टॉप किया है और ये बताते समय प्रिंसिपल सर बहुत ज़्यादा खुश थे, तो मुझे भी खुशी हुई और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे स्कूल श्री कवरदारा और वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है पढ़ने के, मैंने सर से परमिशन ली कि सर हम लॉन्ग डे स्टार्ट कर सकते हैं और सर ने हमें भी बोल दिया और हमेशा टीचर्स का सपोर्ट रहा है, मिश्रा सर, रोहित सर, सारे टीचर्स का सपोर्ट। अच्छा, तीनों स्टूडेंट से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के मोबाइल चलाने पर, लैपटॉप चलाने पर आपत्ति, आपने इन चीज़ों का कहाँ तक सहारा लिया और कितना सहारा लिया था?
कुछ क्वेश्चंस होते थे जो मुझे आते नहीं थे, इसलिए मैंने मोबाइल का यूज़ किया, उसमें सर्च करो तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे बताया कि आप सॉन्ग सुन के रिफ्रेश हो रहे थे, तो मैंने भी गाने थोड़े सुने थे, पर इतना ज़्यादा यूज़ मोबाइल पर डिपेंडेंट होते ही नहीं, क्योंकि बुक्स में ही सब कुछ दिया होता है, आपके टीचर्स ही बेस्ट हैं, तो कोई सब कुछ नहीं। राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने खरगोन जिले के ग्राम टांडा बरोड़ में कुशवा क्षेत्रीय समाज धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लिए जाने को कहा। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों और किसानों के लिए जारी की गई कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ दे रही है, अब किसान आत्महत्या करता है तो इसमें किसकी गलती कही जाए। राज्य मंत्री ने ग्राम बरोड़ में कुशवा समाज की धर्मशाला का उद्घाटन किया। कुशवा समाज के लोग मंत्री पाटीदार को बैलगाड़ी से आयोजन स्थल तक लेकर गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामजन उपस्थित थे। ग्राम बरोड़ से संवाददाता रामेश्वर कुमराउत की रिपोर्ट। सरकार ने अपनी ओर से किसान मिले, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सबके लिए इतनी सारी विकास की और कल्याणकारी योजना बनाई है, इसके बाद में किसी भी कोई साधन का झंझट होता ही नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम योजनाओं का समय पर सबको लाभ दें। अब यहाँ क्या स्थिति है, क्यों क्या है, मैं पहले भी कहा आत्महत्या करने की आत्महत्या करने का कोई कारण ही नहीं होता है। व्यक्ति जन्म लेता है तो ईश्वर उसकी सारी व्यवस्था भी करता है, और आज सरकार भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है, तो इसलिए किसी को आत्महत्या करने की आवश्यकता क्या, बताया ना मैंने अभी बताई सारी योजना संबल, उसको जब भी जब कोई समस्या आती है तो उसके लिए संबल के माध्यम से उसकी समस्याओं का समाधान है उसको, तो ऐसा तो कोई कारण ही नहीं है। दादा ऐसा मालूम पड़ा है कि किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की, ये मालूम पड़ा है, अब इसमें जरा जाए पूछे वहाँ जाकर के तो बताएंगे क्या है। नहीं सर, कर्ज के लिए मैं बताऊँ ना, कर्ज का कहाँ दबाव है, किस पे कर्ज का दबाव कहाँ है, व्यक्ति अपनी मर्जी से दे, उसके पास उसकी सुविधा है और नहीं भी दे तो उसके अगर कोई जब्ती हो रही है, कुर्की हो रही है, दबाव हो रहा है, कोई मंगने भी नहीं जाता किसी के पास कर्ज, ये हमने निश्चित व्यवस्था की है कि कर्ज के कारण अब ना तो किसी का कोई कुर्की हो गया जब्ती हो, अपनी सुविधा से किसान दे जब आए, और नहीं भी दे तो उस पर कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती वसूली तो नहीं है। अब बताए उसको कि क्या किसी ने कोई उसको जबरदस्ती वसूली के लिए कुछ बोला था, नहीं, इसलिए कर्ज का दबाव नहीं, कर्ज तो व्यक्ति पे होता है, करता है, लेकिन उसके लिए वसूली का दबाव थोड़ी होता है, वो अपनी सुविधा अनुसार दे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर खरगोन प्रबुद्ध महिला मंच एवं सपाक्स के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। खरगोन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं ने पुष्प अर्पित कर सर्वप्रिय नेता के प्रति सम्मान प्रकट किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से देश की जनता दुखी है। स्वर्गीय अटल जी के ओजस्वी भाषण, विशाल हृदय और राष्ट्र की जनता के प्रति अगाध प्रेम उन्हें महान जननायक का दर्जा देता है। उनके निधन पर देश भर में आम और खास श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। खरगोन के श्री कृष्ण तिराहे पर खरगोन प्रबुद्ध महिला मंच के द्वारा शाम 4 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समाज सेविका एवं मंच अध्यक्ष शालिनी रतोरिया ने पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी के प्रति सम्मान प्रकट किया। सभा में उपस्थित सभी महिलाओं ने मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय जैन धर्मशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सपाक्स जिलाध्यक्ष कमलेश भंडारी, युवा शाखा अध्यक्ष निर्मल बड़ोले और श्री चावला कैलाश अग्रवाल सहित सपाक्स परिवार के द्वारा स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश के प्रति उनके प्रेम और योगदान को याद किया गया। जी हाँ, खरगोन प्रबुद्ध महिला मंच की तरफ से हमारे लोकप्रिय नेता, ओजस्वी कवि, महान देशभक्त, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी को हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन से हमारा पूरा देश शोक व्याप्त है, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज खरगोन प्रबुद्ध महिला मंडल यहाँ पर एकत्रित हुआ है। हम सभी की ओर से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सादर नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। आज ब्राह्मण समाज की ओर से मैं खरगोन से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज बहुत अच्छा नेता हमारे बीच से चले गए हैं, उनके लिए हमारे लिए शब्द बोलने में आज हिचकी तैयार हो रही है, हमें उनका बहुत सहयोग था, आज हमें उनके खोकर हमें बड़ा दुख हो रहा है, भगवान उनकी आत्मा का शांति। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे और इस देश की वो अनमोल धरोहर है,
उनका जाना इस देश के लिए अत्यंत दुखद है और हर एक भारतवासी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या, प्रेम और स्नेह है। इसलिए आज भगवान प्रबुद्ध महिला मंच अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और इस शोक की घड़ी में पूरे देश के साथ मिलकर आज हमने उनको श्रद्धा सुमन और पुष्प अर्पित किए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।